अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज ईद के दिन मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल एक्शन बनाने आया हूँ। अभी इधर सनावा रेलवे ट्रैक पर, तो ये स्पेशल एक्शन जो है ये आपने पहले मेरे चैनल पर कभी नहीं देखा होगा। यानी जो इंजन आज आ रहा है, लाइट इंजन स्पेशल एक्शन, जिसे मैंने स्पेशल एक्शन का नाम दिया, तो इसकी वीडियो जो है पहले मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है। वैसे तो मालगाड़ी के साथ तो मौजूद है, लेकिन जिस तरह अभी है, जिस हालत में आ रहा है, यानी लाइट इंजन बनकर LHF मोड में, तो इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल पर पहले मौजूद नहीं है। तो ईद वाले दिन भी आज ट्रेनों ने जो है ना, मैं घर रेस्ट नहीं करने दिया। यानी पहले कोटद्दू स्पेशल कोल ट्रेन गई है, तो अब उसका खाली इंजन जो है वो वापसी महमूदकोट जाने के लिए सनामा पहुँच रहा है। तो ये खाली इंजन जो है LHF मोड में आ रहा है। LHF मोड का मतलब होता है कि उल्टा इंजन, ठीक है। यानी उसकी जो फ्रंट साइड है वो इस साइड पर होगी और इंजन इस साइड से आ रहा है, और जो बैक साइड है वो फ्रंट पे होगी, ठीक है। तो ये इंजन है जी G49005, ठीक है, जो कि कोटद्दू से तकरीबन 10 मिनट पहले चला है। तो अब इसकी लाइट्स जो हैं वो सनामा में विजिबल हो रही हैं, तो देखते हैं फिर डाउन लाइट इंजन G49005 सनामा लेवल क्रॉसिंग से पास होते हुए LHF मोड में। और ईद के दिन जो है ना, मैंने यहाँ आपका जो है ना ईद आज मैंने आपकी बहुत ही मज़ेदार बना दी है, यानी स्पेशल ट्रेनों का एक्शन दिखा के। तो अब एक न्यू एक्शन देखने के लिए तैयार रहें, G49005 डाउन लाइट इंजन देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अब शाम के 5:10 हो गए हैं। तो थोड़ी देर पहले मैं आया था इधर रेलवे ट्रैक पर डाउन लाइट इंजन की वीडियो बनाने, जो G49005 पास हुआ है, तो वो तकरीबन 3:30 पास हुआ है। तो अब 5:10 है, 1:07 अब आज राइट टाइम आ रही है सनामा तक, यानी ईद वाले दिन। और गाड़ी की लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी, विजिबल है। तो सुबह 1:08 डाउन के साथ पावर थी HPU 20/80/50, जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी किलोमीटर नंबर 55/5 से। और आज जितनी भी ट्रेनें पास हुई हैं, यानी ईद वाले दिन भी मैंने अपनी मसरूफियात को छोड़ के अपने व्यूवर्स के लिए वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि वो भी अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है ना मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो फिर मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अपने व्यूवर्स के लिए जो है ना अच्छी से अच्छी वीडियोस और अच्छी से अच्छी लोकेशन पर वीडियोस बनाऊं, और उनको बिल्कुल करेक्ट जो है ना इंफॉर्मेशन दूं पाकिस्तान रेलवे के लोकोमोटिव के बारे में, और जो भी ट्रेनें वगैरह चल रही हैं, जो भी है सेक्शन के बारे में। तो आप भी बता दिया करें कमेंट में आपने जिस बारे में पूछना हो, यानी रेलवे के मुतलक। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेशन है रेलवे के मुतलक, क्योंकि हम जो है ना, मैं जो हूँ ना, काफ़ी साल से रेल से वाबस्ता हूँ, यानी 5-6 साल से मैं ये ट्रेनें देख रहा हूँ। अब इतना तजर्बा हो चुका है कि
यानी कि सिर्फ इंजन की ऑपरेटिंग सिस्टम का पता नहीं है, यानी नॉच वगैरह का तो पता है, ब्रेकिंग सिस्टम का पता है, लेकिन ऑपरेटिंग नहीं कर सकते जिस तरह ड्राइवर ऑपरेटिंग करते हैं। तो ये तो ड्राइवरों का काम है ना, तो हम तो नहीं कर सकते। बाकी ट्रेन की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना है पड़ी, यानी इतना अब तजर्बा हो चुका है, इतने साल से रेल फेयरिंग कर रहे हैं। वैसे ये हमारा बहुत यानी कि शौक है ये, तो मैं चाहता हूँ कि ये शौक मैं अपने व्यूवर्स तक शेयर करूँ और उनको जो है ना ब्रांच सेक्शन की ट्रेनें दिखाऊँ। तो इंशाल्लाह मेरी एफ़र्ट रंग लेगी और मैं अपने व्यूवर्स के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आज जो वीडियोस मैंने बनाई हैं 128 डाउन की, वो भी ईद वाले दिन, और 129 अप की, इसके बाद दूसरा तीसरा एक्शन था मेरा कुंदिया स्पेशल कोटोदो स्पेशल कोल ट्रेन का, और चौथा एक्शन था डाउन लाइट इंजन का। अब पाँचवीं ट्रेन आ रही है अप साइड से 127 अप, जो कि डेली आती है यानी कि प्रॉपर टाइम पर। तो आज 127 अप ईद होने के बावजूद भी राइट टाइम है, इसका मतलब यही है कि आज जो है ना मियर एक्सप्रेस में खास जो है ना रश नहीं है, क्योंकि रश होता है तो ट्रेन डेफिनेटली लेट होती है। मुल्तान से आज राइट टाइम चली है 127 अप, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो ईद वाले दिन ट्रेनों में ख़ास रश नहीं होता, ठीक है। ईद के दूसरे तीसरे दिन अब जो है ना ट्रेनों में जगह भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ईद के दूसरे तीसरे दिन यानी कि ट्रेन में रश पड़ेगा, तो उसकी वीडियोज़ मैं इंशाल्लाह कल से जो है वीडियोज़ का सेशन जो है वो स्टेशन पर स्टार्ट करने लगा हूँ। अभी मेरा तो मूड था कि मैं ईद के डेज में ईद स्पेशल ट्रेन की वीडियोस भी बनाऊँ, यानी मुल्तान जाकर, क्योंकि काफ़ी सारी ईद स्पेशल ट्रेन जो है वी मुल्तान है, लेकिन मेरी तबीयत जो है वो दो दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस ये मैं जो है गुजारा कर रहा हूँ कि अपने व्यूवर्स के लिए कि उनके लिए वीडियोज़ बनती रहें। बाकी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, यानी बुखार है मुझे दो तीन दिन से, लेकिन फिर भी मैं अपनी व्यूवर्स की खिदमत में जो है ना हाज़िर हूँ। तो बहुत जल्द मैं चक्कर लगाऊँगा जैसे ही तबीयत सेट होती है, लेकिन किस्मत की बात यह है कि जब तक तबीयत सेट होगी आखिर दो तीन दिन तो लगेंगे, तब तक ये स्पेशल ट्रेनें और ये सारी ट्रेनें जो है ना इनमें रश भी नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह हम जो है मुल्तान सेक्शन पर मुल्तान स्टेशन पर ट्रेनों में रश भी देखते और भी काफ़ी सारी सहूलियात यानी कि जो भी स्टेशनों पर हैं यानी ईद के मौके पर क्या सहूलियत होती है स्टेशनों पर, ये चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन अभी हम नहीं पहुंच सकते। तो हम अपने होम स्टेशन पर जा सकते हैं, यानी मैं अपने होम स्टेशन जैसे सनावा है जहाँ पर पहले वीडियो बनाता हूँ वहाँ तो जा सकता हूँ ना। तो इंशाल्लाह मैं कल से जो है 129 से इब्तदा करूँगा, 129 की वीडियो स्टेशन पर बनाऊँगा। लास्ट टाइम यानी कि पिछले साल मैंने 129 आपकी वीडियो बनाई थी स्टेशन पर ZCU-20 6413 लोकोमोटिव के साथ। उस वक्त भी ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश था और उस वक्त लिंक भी ZCU-20 लोकोमोटिव का था 129 और 130 डाउन के साथ, लेकिन अब तो वो लिंक ख़त्म हो चुका है टोटली तौर पर, यानी अब तो HVU-20 का लिंक है। तो इंशाल्लाह कल मेरी वीडियो जो है वो 129 अप की स्टेशन से होगी, ठीक है, स्टेशन पर बनाऊंगा। तो अभी 127 अप जो है वो गुरबानी से निकल आई है, लाइट्स अब काफ़ी सारी विजिबल हो रही हैं। तो आज हम अगेन अपनी हमेशा वाली लोकेशन पे से ही वीडियो बनाएंगे यानी 127 अप की। ये स्टेशन पर जो गेट में नहीं भाइयों ने छोटे छोटे पौधे उगाए हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं स्टेशन यानी फाटक के रूप में। तो देखते हैं फिर 127 अप मियर एक्सप्रेस HBU-20 8050 के साथ। तो जैसे जो है ट्रैक साउंड बहुत ही अच्छी क्रिएट होती है, मैं इस बेंच पे बैठ रहा हूँ, ठीक है। सिग्नल ट्रेन के लिए डाउन हुआ खड़ा है, दो लीवर पीछे खींचे हुए हैं, लेकिन स्टेशन वाला सिग्नल जो है वो अभी तक अप है, तो अभी वो भी डाउन हो जाएगा। गाड़ी भी अब पिछले फाटक के करीब आ गई है और सुबह 128 डाउन में रश की पोजीशन तो लो थी, यानी बिल्कुल भी रश नहीं था। तो आप देखते हैं कि 127 अप में क्या पोजीशन है, 129 अप में भी रश अच्छा था, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ईद डेज में मुसाफिर इतना सफ़र नहीं करते ट्रेनों में। ईद से दो चार दिन पहले और ईद से दो चार दिन बाद ट्रेनों में रश देखने को मिलता है। तो वैसे पाकिस्तान रेलवे ने 25% किरायों में भी कमी कर दी है तमाम ट्रेनों पर जो कि सरकारी यानी कि चल रही है, प्राइवेट वालों ने नहीं की। तो ये भी बहुत अच्छा इकदाम है पाकिस्तान रेलवे का। तो ये किराया जो 25% इन्होंने कम किया है, ये ईद के फौरन बाद इसका इतलाक जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी फिर किराए वही नॉर्मल हो जाएंगे जैसे पहले थे, ये रियायत ख़त्म कर दी जाएगी, ये सिर्फ ईद डेज में है जी। तो ये सामने आपको तीन सिग्नल जो नज़र आ रहे हैं, ये सनावा स्टेशन के होम सिग्नल हैं और अभी तक ट्रेन के लिए डाउन नहीं हुए, ट्रेन पिछले फाटक पर आ गई है। जब तक ये सिग्नल डाउन नहीं होंगे, ये फाटक वाला जो सिग्नल है ये भी डाउन नहीं हो सकेगा। तो सिग्नल जब डाउन ना हो तो ट्रेन तो डेफिनेटली रुक भी सकती है, तो उम्मीद काफ़ी है कि सिग्नल डाउन हो जाएगा। वैसे भी मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ डेंजर सिग्नल के हवाले से,
सिग्नल एंड टाइम पर डाउन हो जाता है। मेरे ख्याल में आज भी ऐसा ही होगा, अगर ना हो तो फिर तो गाड़ी रुक जाएगी मेरे ख्याल में उस सिग्नल के साथ। ये तो फाटक वाले भाई ने किसी तरह से कोशिश करके डाउन कर दिया सिग्नल, लेकिन होम सिग्नल जो है वो अभी तक अप है, और देखते हैं कि आज भी एंड टाइम पर डाउन हो जाता है सिग्नल या फिर हमें आज ट्रेन रुकती हुई नज़र आ रही है, रुकती नज़र आती है। अभी तक तो अप है, तो अब मेरे ख्याल में डेफिनेटली ड्राइवर जो 127 अप पे आ रहे हैं इन्होंने ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दी होंगी। लेकिन अगर ट्रेन रुकी भी थी तो फाटक के करीब नहीं रुकेगी, फाटक के आगे रुकेगी, क्योंकि इधर से तो लाइन क्लियर है ना, इधर से फाटक वाला सिग्नल तो डाउन है, होम सिग्नल अप है। अब ट्रेन की स्पीड जो है वो कंट्रोल हो चुकी है मेरे ख्याल में, तो बहुत स्लो हो गई है ट्रेन, तो बस मेरी किस्मत ही हमेशा ऐसी है सिग्नल एंड टाइम पर हमेशा डाउन हो जाता है, आज भी डाउन हो गया। हो सकता है कि अब ड्राइवर लॉच लगा दें क्योंकि स्पीड बहुत कम हो गई है ट्रेन की, सिग्नल भी डाउन हो गया है अब, यानी पहले अगर ट्रेन रुकती तो आप तो बिल्कुल नहीं रुकती। तो चलो इसके बदले नॉच ही लगा दें ड्राइवर, मज़ा आ जाएगा। स्पीड से पास हुई है तकरीबन 40 की स्पीड।